बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो प्रिपेयर पर दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे चिकन मोमोज की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी डो को लेकर बहुत ही अहम बातें हैं और इसकी फीलिंग जो है उसमें भी इंशाल्लाह आज आपको कुछ नया और बिल्कुल स्पेशल जानने को मिलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार ये रेसिपी होने वाली है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें 2 कप हम लेंगे मैदे के, जिनको हमने अच्छे से छान लिया था। और इसमें 1/2 टीस्पून जस्ट नमक आ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। चलें जी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से हम इस मैदे को गूंदेंगे। गर्म पानी के साथ आपने नहीं गूंदना, वरना इसकी जो डो है सॉफ्ट हो जाएगी और जो मोमोज हैं उनकी शेप ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ठंडे पानी से आपने इस डो को अच्छे से गूंद लेना है और उसके बाद इसको आपने हल्का सा पानी लगा के कम से कम आधे घंटे का स्टे देना है। इससे क्या होगा, हमारी डो बहुत ही स्टेबल हो जाएगी और मोमोज की शेप में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास है चॉपर, यहाँ पे हम कीमे को पीस लेंगे। चिकन है हमारे पास बोनलेस, तो यहाँ पे है ये तकरीबन हाफ चेस्ट का पीस। चलें जी, अच्छे से धो के मैंने इसको काट लिया था। अब मशीन को ऑन करके कीमा कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप ये जो शॉप्स होती हैं बुचर की, वहाँ से भी कीमा करवा सकते हैं। ये लें जी, बहुत ही आसानी से ये हो चुका है, जस्ट 1 से आधे मिनट में। ये लें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बारीक या मोटा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये मोटा पसंद होता है, उससे जो फाइनल लुक है वो थोड़ी सी सॉफ्ट आती है। अगर आप बारीक कर लें तो थोड़ी सी हार्ड आती है। चलिए जी, बॉल में डालते हैं इस कीमे को और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसमें जस्ट नमक का जाएगा और काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, 1/4 के करीब, सॉरी। और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगी। और अगली चीज़ है हमारे पास ज़ीरा, ये भी इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा। पाउडर यूज़ कर रहा हूँ मैं। 1/2 टीस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे खुशबू, फ्लेवर और टेस्ट के लिए। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं नहीं ऐड कर रहा क्योंकि हमने स्टीम करना होता है और मेरा मानना है कि स्टीम में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है सही से काम नहीं करेगा। सो मैं कुछ नया ऐड कर रहा हूँ, वो ये कि इसकी मिक्सिंग करके मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। और उसके बाद एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम ऑन कर देंगे। ये लें जी, जस्ट 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का जाएगा और ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। और साथ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ये है मेरे पास 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे क्या होगा, लहसुन की एक स्मेल सी होती है जो चली जाती है और बहुत ही शानदार खुशबू आ जाती है। और हरी मिर्च को जब इस तरह से फ्राई करते हैं ना, तो यकीन करें एक दफ़ा आप इसको स्मेल करिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इन खुशबूदार चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। नॉर्मली इस रेसिपी में डायरेक्ट ऐड किया जाता है, लेकिन जिस तरह का हमारा लोकल टेस्ट होता है, पाकिस्तानी लोग जिस तरह की रेसिपीज यूज़ करते हैं, उसमें वो अच्छा नहीं लगना था, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें प्याज, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें हम गाजर बारीक कटी हुई, खूबसूरती टेस्ट दोनों के लिए। और ये है शिमला मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और ये है बंद गोभी 1 टेबलस्पून। मतलब कि जो जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दें, बट ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। आप ना ऐड करना चाहें तो आप रहने भी दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो फीलिंग है तैयार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने इसको आधा घंटा स्टे दिया था, एक दफ़ा दबा लेते हैं, कोई गैस वगैरह हो तो इसकी वो निकल जाएगी। अब आपने क्या करना है, मैं आपको सही और आसान तरीका बताऊँगा जिससे खूबसूरती भी आएगी और टाइम भी बचेगा। बड़ा सा एक पेड़ा बना लेंगे, उसके बाद इसको हम स्प्रिंकल करके मैदा, इसका हम एक रोल सा बना लेंगे। और रोल बना लेने के बाद क्या होगा, हम आसानी से इसके एक साइज़ के छोटे छोटे नन्हे मुने से पेड़े बना सकते हैं। चलें जी, ये देख लें आप, इसका कोई स्पेशल वजह नहीं होती, बस ये होता है कि आपका साइज़ जो है वो सेम हो जाता है। तो जब आप फाइनल लुक करते हैं तो आपकी जो रेसिपी है उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, एक सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। चल जी, इसको बेल लेंगे, बारीक आपने इसकी रोटी बना लेनी है, ठीक है, बारीक। तो अब आपने इसको इस तरह फिलिंग ऐड करनी है, बहुत आसान है, साइड से इस तरह दबाते जाएं। यहाँ पे गलती आप ये कर सकते हैं कि अगर फिलिंग ज़्यादा हो तो ऊपर से बंद करना मुश्किल हो जाएगा, कम हुई तो अंदर से ये मोमोज खाली रह जाएंगे। सो इतनी सी बात है, एक ही बना के आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आप फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 15 से 20 दिन, एक महीना इसको कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक स्टीमर लेंगे, अहम बात यह है कि इसके ऊपर हम कर देंगे ऑयलिंग। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, ऑयल से कर लें, घी से कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, मोमोज इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पे आपने इसकी ऑयलिंग कर लेने के बाद मोमोज को इसके ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे आपने जो स्टीमर है या आपके पास कुकर है या आपके पास कढ़ाई है, जो कुछ भी है, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसके फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको ऊपर रख देना है 20 से
25 मिनट आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये कच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमते और बढ़ते हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत ही ये शानदार किस्म का लुक दे रहे हैं। फ्राई हमने नहीं किए और ये देखें माशाल्लाह सब्जियां कितनी खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा खूबसूरत कर दीजिए कमेंट और दीजिए जानकारी की इजाजत। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।